वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं बौद्ध के संगति के बारे में। बौद्ध के चार संगति हुए, इसके बारे में हम विशेष करके पढ़ेंगे कि आखिर ये करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब कब हुआ, कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज चूंकि ये टॉपिक हमेशा से SSC का फेवरेट रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते रहे हैं। SSC हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हुआ क्या कि जो बौद्ध जानते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था। तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ तो उनके एक अनुयायी थे, भिक्षु थे, उन्होंने बोला, नाम क्या था उनका, नाम जानिए पहले, कि उनका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। सुभद्र नाम का एक भिक्षु था, उन्होंने बोला कि आज से हम लोग मुक्त हो गए। मतलब इस बौद्ध भिक्षु का जो धर्म निभा रहे थे, भिक्षावृत्ति कर रहे थे, इनसे हम मुक्त हो गए। तो लोगों के बीच में ऐसा संदेश गया कि लगता है कि बौद्धिज्म में डिवाइड होने वाला है। क्या होने वाला है? विभाजन होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सबको यूनाइट करने के लिए और बुद्धिज्म को और दूर तक फैलाने के लिए चार संगतियाँ करवाई गई, चार मीटिंग्स करवाए गए और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो पहला संगति हुआ, वो प्रथम संगति जो हुआ, वो 483 ईसा पूर्व में एकदम मृत्यु के जस्ट बाद ही हुआ था। तो ये हुआ कहाँ? राजगृह में। ये राजगृह है कहाँ? तो राजगृह है बिहार के, बिहार का जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है उसमें है राजगृह, ठीक है। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगृह जगह में हुआ था, जो कि राजगृह के सप्त ऋषि गुफा में, सप्त पर्णी गुफा में इसका हुआ था, स्थान था प्रथम का। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, वो प्रथम संगति के अध्यक्ष हुए। और जो शासक उस टाइम थे वो अजात शत्रु था। अगर पूछे कि शासक कौन है, याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे अध्यक्ष तो महाकश्यप और शासक पूछे तो अजात शत्रु, ठीक। उसके बाद जो प्रथम कार्य क्या हुआ, वो हुआ सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, मतलब लिखाया गया इस टाइम। अब जानते हैं कि बौद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ में है त्रिपिटक। त्रिपिटक बोलते हैं, मतलब तीन पिटक करके ग्रंथ हैं। पहला क्या है? सूत पिटक, सूत पिटक है। उसके बाद है विनय पिटक, विनय पिटक है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? यह है अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तो ये तीन ग्रंथ थे। तो दोनों का जो सूत पिटक और विनय का पिटक का जो संकलन हुआ, प्रथम के टाइम में ही हुआ था प्रथम। उसके बाद द्वितीय जो संगति हुआ, द्वितीय संगति में 383 ईस्वी पूर्व, एकदम 100 साल बाद हुआ प्रथम के, 100 साल बाद हुआ, ठीक है। उसके बाद एकदम याद रखना है 483 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 383 ईस्वी पूर्व हुआ कहाँ? वैशाली। वैशाली कहाँ है? ये भी बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार में है। वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वैशाली जगह पे हुआ, ठीक। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन हुए? सर्वकामी। सर्वकामी द्वितीय संगति के अध्यक्ष थे, बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना है आपको। और जो शासक थे वो कालाशोका थे। कौन थे? कालाशोका। तो शासक और जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको प्रमुख कार्य पूछे ना पूछे, लेकिन वर्ष, स्थान और अध्यक्ष और शासक, ये चार इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या हुआ कि स्थविर और महासंधिक में विभाजन हो गया बौद्ध का, ठीक है। जो तीसरा संगति हुआ वो हुआ 249 ईस्वी पूर्व, 249 ईस्वी पूर्व में हुआ। और ये हुआ कहाँ? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का जो अभी का नाम है वो पटना है, पटना शहर का नाम आपने सुना होगा। और ये है कहाँ? ये बिहार में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना का पहले जो नाम था वो पाटलिपुत्र था। और इसके जो अध्यक्ष हुए वो थे मोगली पुतिस्स। तो आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा जैसे आप प्रोनाउंस कर सके, मोगली पुतिस्स इसके अध्यक्ष थे। और जो शासक थे अशोक थे, अशोक जो महान अशोक हुए वो इस तृतीय संगति को करवाए थे। और इस समय प्रमुख कार्य हुआ कि जो अभिधम्म पिटक था, वो तीसरा जो त्रिपिटक का जो तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन हुआ। प्रथम में हुआ था आप जानते हैं सूत पिटक और विनय पिटक का,
और जो तीसरा में हुआ वो हुआ आपको अभिधम्म पिटक का। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अभिधम्म पिटक का कब हुआ संकलन, तो आपको याद रखना है कि 249 ईसवी पूर्व जो तृतीय संगति हुआ उसमें किया गया था, ठीक है। और इसके शासक थे अशोक। और जो लास्ट है और अंतिम है वो है चतुर्थ संगति, वो हुआ 95 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में हुआ है। और ये कब कहाँ हुआ, कुंडलवन में हुआ। ये कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था ये कुंडलवन में। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, बसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। याद रखना है जो अध्यक्ष थे वो बसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे वो थे अश्व घोष। उसके बाद जो शासक हुए, शासक उस टाइम के कौन थे जिन्होंने ये करवाया, वो थे कनिष्क। कनिष्क ने चौथा संगति करवाया था। और इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ, क्या निकला इसमें से, तो हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध दो अलग अलग पार्टों में बट गया, एक हुआ हीनयान एक हुआ महायान। तो ये सारे चार इम्पॉर्टेंट क्या थे, संगति थे, बौद्ध संगति। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिपीट करके ये वीडियो देख लीजिए। और मैंने इसमें बौद्ध संगति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक वर्ष बनता है, स्थान बनता है, अध्यक्ष बनता है और शासक बनता है, ठीक है, और प्रमुख कार्य भी बन सकता है। तो ये जो एकदम से इसमें कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आते हैं वही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।